हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12 इंग्लिश विस्टास बुक से चैप्टर 2 द टाइगर किंग, जिसके ऑथर कालकी हैं, इसके हम एक्सप्लेनेशन को कवर कर रहे हैं। स्टूडेंट, इसका हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में लास्ट पार्ट यानी कि फिफ्थ पार्ट को कवर करेंगे। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट पार्ट में राजा जंगजंग बहादुर का बर्थ होता है और एस्ट्रोलॉजर बता देते हैं कि इनकी मृत्यु एक टाइगर से होगी। तो 10 दिन का बच्चा जिसके बारे में बताते हैं एस्ट्रोलॉजर, वो परेशान नहीं होता और बोलता है। हैरान करने वाली बात वहाँ ये होती है कि वो इतना छोटा बच्चा, 10 दिन का बच्चा बोलता है कि मृत्यु तो सबकी होती है, ये बताओ ना कि मेरी मृत्यु किस चीज़ से होगी, कैसे होगी मेरी मृत्यु। तो एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि तुम्हारी मृत्यु टाइगर से होगी। तो वो कहते हैं कि सभी टाइगर को बीवेयर रहने के लिए कह दो, क्योंकि मैं आ गया हूँ और उनको मैं किल कर दूंगा। स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में हमने देखा कि ये जो राजा थे वो 20 इयर्स के हो जाते हैं और फर्स्ट टाइगर किल करते हैं। एस्ट्रोलॉजर को बुलाते हैं कि मैंने फर्स्ट टाइगर किल कर दिया, बताओ अब तुम क्या करोगे। तो एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि तुमने आज तो फर्स्ट किया है, बट अभी तुम्हें 99 टाइगर और किल करने होंगे। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट खत्म होता है। उसके बाद थर्ड पार्ट में स्टूडेंट, टाइगर के किलिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है और बहुत सारे टाइगर मार दिए जाते हैं। सभी टाइगर, जितने भी प्रतिबंधपुरम में टाइगर थे, सारे टाइगर महाराज के द्वारा किल कर दिए जाते हैं। करते करते 70 टाइगर किल हो जाते हैं। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट में हमारे राजा दीवान को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये सभी जो प्रतिबंधपुरम के टाइगर थे ख़त्म हो गए हैं, इसलिए हमारी शादी एक ऐसे स्टेट में करो जहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन अधिक हो, जिससे कि हम वहाँ जाएँ और 5 से 6 टाइगर हर बार किल करके आएँ। इसी प्रकार होता है, ऐसे स्टेट में राजा की शादी हो जाती है जहाँ पर टाइगर पॉपुलेशन अधिक होती है और करते करते 99 टाइगर हमारे जो राजा हैं वो किल कर देते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी स्टोरी का फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट, पेज नंबर 13 से। द महाराजाज एन एग्जाइटी रीच्ड अ फीवर पिच व्हेन देयर रिमेन्ड जस्ट 1 टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100। तो एन एग्जाइटी की मीनिंग होती है स्टूडेंट क्यूरियोसिटी, अर्थात जिज्ञासा उनकी और अधिक बढ़ जाती है। जिज्ञासा, एनजाइटी जिज्ञासा, और पिच यानी कि एक्सट्रीम, अत्यधिक सीमा तक, अंत सीमा तक, और टोली यानी कि टोटल। तो ये जो 99 टाइगर किल करने के बाद जो हमारा राजा है वो, उनकी जो पावर होती है, उनकी जिज्ञासा होती है और टोटली हाइट पर पहुंच जाती है, मतलब वो बहुत ही जिज्ञासु हो जाते हैं 100 टाइगर को किल करने के लिए। He had this one thought during one day and the same dream at night. दिन रात राजा को कुछ नहीं सोचता है, दिन रात वो क्या सोचते रहते हैं, केवल वो 100 टाइगर जो उनका एक टाइगर किल करने के लिए बचा है उसी के बारे में सोचते रहते हैं। बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम। और इसी प्रकार उनके अपने स्टेट में और उनके फादर इन लॉ के किंगडम में सारे टाइगर ख़त्म हो जाते हैं। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। अब ऐसा इम्पॉसिबल हो जाता है कि कहीं पर भी कोई टाइगर कोई देख पाए। येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड, जबकि एक टाइगर की अभी भी नीड है। इफ वी कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट द महाराजा वुड हैव नो फियर लेफ्ट। अगर राजा एक, ये जो लास्ट टाइगर बचा है, इसको भी किल कर देंगे तो राजा का कोई डर नहीं रहेगा, अर्थात उनकी मृत्यु पे कोई खतरा नहीं मंडराएगा। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, और वो उसके बाद टाइगर हंटिंग करना भी छोड़ देंगे। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट द लास्ट टाइगर। जिस प्रकार एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्ट किया था कि लास्ट 100 टाइगर से तुम्हें बच के रहना होगा, केयरफुल रहना होगा, तो यही राजा सोचते हैं कि मुझे लास्ट टाइगर से बचना है। वट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, जिस प्रकार से पुराने जो ओल्ड चीफ एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें कहा था, इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी अवेयर ऑफ द 100th, कि 99 किल टाइगर को किल करने के बाद 100 टाइगर से तुम्हें बचना है। ट्रू इनफ, और ऐसा सत्य भी है। द टाइगर वॉज ए सेवेज बीस्ट आफ्टर एट ऑल, जो टाइगर है वो सेवेज यानी कि क्रूअल, अनकंट्रोल्ड है, बिल्कुल जो टाइगर होता है वो अनकंट्रोल होता है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, और हर बंदे को, हर किसी को इससे
वेरी मतलब बी कॉन्शियस, यानी कि हर किसी को इससे ध्यान रखना चाहिए। बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन ये 100 टाइगर कहाँ मिलेगा। इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क यानी लाइव टाइगर। तो यहाँ फिर एक हंसी की बात हो रही है कि टाइगर का दूध तो मिलना आसान होगा, लेकिन ये लार्ज टाइगर नहीं मिल रहा। तो स्टूडेंट टाइगर का मिल्क तो कोई यूज भी नहीं करता और बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पे फिर ह्यूमर यूज़ किया गया हमारे ऑथर ने चैप्टर में। दस द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम, इस प्रकार जो राजा थे वो बहुत ही परेशानी में डूब जाते हैं, अर्थात बहुत परेशान रहने लगते हैं। बट सून केम द हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, लेकिन जल्दी ही एक ऐसी न्यूज आती है जो डिस्पेल्ड यानी कि रिमूव्ड कर देती है उनकी इस दुख को, रिमूव्ड कर देती है। इन हीज ओन स्टेट शी बिगेन टू डिसअपियर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज, उनके अपने ही स्टेट में हिल साइड विलेज में जो जितनी भी शीप्स थी वो गायब होने लगती हैं। इट वॉज फर्स्ट एसरटेन्ड दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ ए खादर मेन साहिब और वीरा स्वामी नेकर। तो अब राजा पता लगवाने के लिए कहते हैं कि क्या ये काम खाइदर मेन साहिब या वीरा स्वामी नायकर का तो नहीं है। बोथ फार्म्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो शीप होल, जो कि अपनी किसके लिए फेमस थे कि वो पूरी शीप को स्वेलो एक ही बार में निगल लेते थे। श्योरली ए टाइगर वॉज एट वर्क, राजा कहते हैं कि पता लगाओ कि इन दोनों का काम नहीं है। अगर इन्होंने ये ऐसा नहीं किया, अर्थात शिप को इन्होंने नहीं ख़त्म किया या निगला, तो फिर पक्का हमारे स्टेट में एक टाइगर बचा है। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क, यानी कि एक टाइगर हमारे स्टेट में है। द विलेजर रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, विलेजर्स जो गाँव वाले हैं वो राजा को इन्फॉर्म करते हैं। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year exemption फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस। तो जब विलेजर्स राजा को बता देते हैं कि ऐसा नहीं है, उन्होंने शिप को नहीं स्वेलो किया है, तो महाराज बहुत खुश हो जाते हैं और गांव वालों की इस बात पर उनके 3 साल के लिए सारे टैक्स, जितने भी उन पर टैक्स लगाए जाते हैं, सबको फ्री कर देते हैं। एक्सेम्पशन मतलब फ्रीडम, उससे उनको आज़ाद कर देते हैं उनके टैक्स से। द टाइगर और लास्ट में क्या करते हैं, अपने टाइगर हंट के लिए निकल पड़ते हैं। द टाइगर वॉज नॉट ईजली फाउंड, आसानी से टाइगर नहीं मिलता है। इट सीम्ड एज इफ इट हैड नॉट ओनली हिड इट सेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लॉट द महाराजाज विल। तो वॉन्ट ओनली की मीनिंग होती है इन अ डेलिब्रेट वे, यानी कि जानबूझकर, और फ्लॉट डिसऑबे। तो अब कहा जा रहा है कि टाइगर नहीं मिल रहा होता आसानी से, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो टाइगर है वो जानबूझकर कहीं छिप गया है और महाराजा के ऑर्डर को डिसऑबे कर रहा है। फ्लॉट मतलब उनको, उनका कहना नहीं मान रहा है। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, महाराजा पूरी तरह से फर्म हो जाते हैं। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अनटिल द टाइगर वॉज फाउंड, और वो कहते हैं कि जब तक मुझे टाइगर नहीं मिल जाता मैं फॉरेस्ट छोड़कर नहीं जाऊंगा। एज द डेज पास, और जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, द महाराजाज फरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेन अलार्मिंगली मैनी ऑफिसर्स लॉस देयर जॉब, और इसी गुस्से के कारण कि इनको टाइगर नहीं मिल रहा है, महाराजा बहुत ही फरी मतलब बहुत ही एंगर में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, और इसी गुस्से के कारण वो कई ऑफिसर्स को जॉब से भी निकाल देते हैं। वन डे व्हेन हिज रेज वॉज एट इट्स हाइट, दिन जब राजा का गुस्सा बहुत ही हाइट पर पहुंच जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, द महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर हिम टू डबल द लैंड टैक्स फॉर विद। अब जो राजा हैं वो ऑर्डर करते हैं, दीवान को कहते हैं कि सभी लोगों के टैक्स को डबल कर दिया जाए। एक बार तो हमने पढ़ लिया है कि राजा ने सभी के टैक्सों को फ्री कर दिया है, माफ़ कर दिया, लेकिन अब जब राजा का गुस्सा बढ़ गया है, लास्ट टाइगर नहीं मिल रहा था, तो वो फिर से दीवान को कहते हैं कि सबके जो टैक्सेस हैं उनको, पीपल टैक्सेस को डबल कर दिया जाए। द पीपल विल बिकेम डिसकंटेंट देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब दीवान साहब कहते हैं कि अगर राजा आप ऐसा कर देंगे तो ये जो आपकी गद्दी है वो किसकी शिकार हो जाएगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की शिकार हो जाएगी, अर्थात तुम्हारी गद्दी जाने का डर हो जाएगा अगर हमने टैक्स को डबल कर दिया। इन फैक्ट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग। राजा को दीवान पर भी गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कि अगर जैसा मैंने कहा ऐसा तुम नहीं करोगे तो तुम भी अपनी पोस्ट को रिजाइन दे दो, तुम भी छोड़ दो।
The Diwan went home convinced that if Maharaja did not find the tiger soon, अब जो दीवान है वो बहुत ही convinced हो जाते हैं, convinced अर्थात persuaded हो जाते हैं कि मुझे कैसे भी करके राजा के लिए एक टाइगर जल्दी अरेंज करना होगा. The result could be catastrophic. Catastrophic means causing sudden great damage. कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो बहुत ही अधिक भयानक परिणाम होगा इसका, इसका रिजल्ट बहुत ही खतरनाक भी हो सकता है. He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in house. अब जो दीवान साहब थे उन्होंने क्या किया, पीपल्स पार्क जो कि मद्रास में एक जू है वहाँ से वे एक टाइगर पकड़ के लाए और उन्होंने अपने घर में उसको टाइगर को छुपा दिया. Midnight, when the town slept in peace, और रात में आधी रात में जब पूरा टाउन सो रहा था, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the seat. तो जो दीवान साहब थे और उनकी वाइफ, एज्ड वाइफ यानी कि जो उनकी बूढ़ी वाइफ थी, उन दोनों ने मिलकर उसको टाइगर को शॉफ्ट यानी कि पुश किया और कार के अंदर धकेला. द दीवान हिमसेल्फ ड्रॉव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग. और जो दीवान साहब थे वो सीधे कार को खुद ही ड्राइव करके कहाँ ले गए, जहाँ पे महाराजा हंटिंग के लिए आए हुए थे. वैन दे रीच द फॉरेस्ट द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार. अब जैसे ही वो वहाँ पहुँचे तो जो कहा गया है कि टाइगर है उनने सत्याग्रह कर दिया, अर्थात वो बिल्कुल चुपचाप हो गया और कार के अंदर से निकलने को भी तैयार नहीं था, अर्थात वो कार में से बाहर नहीं आ रहा था. द दीवान वाज थ्रॉली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड. तो जो दीवान साहब हैं वो हॉल मतलब पुल किया, उन्होंने टाइगर को बहुत ही पुल किया और इतना एफर्ट लगाया कि वो बहुत ही थक चुके थे, लेकिन फिर भी कैसे भी करके उन्होंने टाइगर को खींचा और ग्राउंड पर छोड़ दिया. ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर वॉन्डेड इन टू द महाराजाज प्रेजेंस एंड स्टूड एज इफ इन हम्बल सप्लिकेशन. और अगले ही दिन महाराजा के सामने वो टाइगर, वही टाइगर आके ऐसे खड़ा हो गया बिल्कुल कि आओ जैसे कि मुझे मारो, मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी. और ऐसा लग रहा था कि टाइगर ऐसा फील करा रहा था कि हे मालिक तुम्हारी क्या ऑर्डर है मुझे बताओ. इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टू केयरफुल एम एट द बीस्ट द टाइगर फेल इन ए क्रम्पल्ड हिप. अब महाराजा ने क्या किया, अपना निशाना साधा और जो टाइगर है वो क्रम्बल हिप यानी कि ढेर बनकर जमीन पर गिर गया. आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, मैंने 100 टाइगर को किल कर दिया है. माई वाओ has been fulfilled. The महाराजा was overcome with elation. Elation मतलब joy से, जो महाराजा है वो joy से पूरी तरह भर जाते हैं. Ordering the tiger to be brought to the capital in grand procession. और वो order देते हैं कि ये मरे हुए tiger को एक parade में सभी लोग लेकर आएँ. कहाँ लेकर आएँ, राजमहल में. The महाराजा hastened away in his car. इतना कहते हुए order देते हुए अपनी कार में बैठ के चले जाते हैं. After महाराजा left, जब महाराजा वहाँ से चले जाते हैं, द हंटर वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर. जो वो हंटर्स होते हैं दूसरे से उनके साथ जो राजा के आए होते हैं, वो उनको टाइगर को देखने के लिए उसके पास जाते हैं. द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आइज इन बैफलमेंट. बैफलमेंट मीन्स कन्फ्यूजन. तो जब राजा वहाँ से चले जाते हैं और हंटर उनको टाइगर के पास आकर देखते हैं, तो वो देखते हैं कि जो उसकी आइज हैं टाइगर की वो रोलिंग कर रही हैं और बैफलमेंट यानी कि कन्फ्यूजन में उनको देख रही हैं. एक्चुअली क्या होता है कि जब वो महाराजा किल करते हैं तो वो वास्तव में टाइगर मरता नहीं है, कि बुलेट की आवाज़ से केवल वो क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है. द मैन रियलाइज्ड दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड. अब मैन को पता चल जाता है कि टाइगर की डेथ नहीं हुई है. द बुलेट हैड मिस्ड इट, और इसने बुलेट को मिस कर दिया है. इट हैड फेंड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट जिंग पास्ट. टाइगर के जो कान के पास से बुलेट गई उसकी केवल आवाज़ से इसको शॉक लग गया, अर्थात ये केवल बेहोश हुआ है. द हंटर्स वॉन्डर दैट दे शुड डू, दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट. अब जो हंटर्स होते हैं वो डर जाते हैं कि कहीं जो महाराजा हैं अगर उनको ये पता चल गया कि ये टाइगर की डेथ नहीं हुई है तो उनका और उनका टारगेट जो है वो बेकार हो गया, मिस हो गया है.
फिडेड दे कुड लॉस देयर जॉब, और कहीं वह राजा ऐसा ना करें कि उनको उनकी जॉब से ही निकाल दें। वन ऑफ द हंटर टुक एम फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ वन फुट एंड शॉट द टाइगर, और उनमें से एक हंटर केवल एक फुट की दूरी से टाइगर पे शॉट लगा देता है। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, और इस बार उसका जो निशाना है वो चूकता नहीं है और टाइगर मार दिया जाता है, टाइगर की मृत्यु हो जाती है। देन एज कमांडेड बाय द किंग द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड बरीड। तो जैसा कि राजा ने ऑर्डर किया था कि इस मरे हुए टाइगर को पैलेस में लाया जाए, तो उसको लाया जाता है टाइगर को और उसको बरीड यानी कि दफनाया जाता है। ए टॉम वॉज इरेक्टेड ओवर इट, और उसके ऊपर एक मकबरा बना दिया जाता है। अ फ्यू डेज लेटर महाराजा सन्स थर्ड बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड, और कुछ दिनों के बाद एक थर्ड बर्थडे सेलिब्रेशन होता है। अंटिल देन द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर टू ए टाइगर हंटिंग, और अब तक इस समय तक जो राजा हैं वो टाइगर हंटिंग के बारे में अपने माइंड से सब कुछ भुला देते हैं। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, अब इसके बीच में उन्होंने अपने क्राउन प्रिंस को यानी कि अपने बेटे को कोई टाइम नहीं दिया था। बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, लेकिन ये अब वो अपने बेटे पे ध्यान देना चाहते हैं। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन दिस बर्थडे, अब इस बर्थडे पे महाराजा अपने बेटे को कुछ स्पेशल गिफ्ट करना चाहते हैं। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर पे जाते हैं। एंड सर्च्ड एवरी शॉप, हर दुकान में ढूंढते हैं, बट कुड नॉट फाइंड एनी थिंग सुटेबल, लेकिन उनको कुछ भी सुटेबल गिफ्ट नहीं मिलता। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन ए टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट। फाइनली वो एक ऐसी शॉप पर पहुँच के ऐसे लकड़ी से बने हुए टाइगर को देखते हैं और वो सोचते हैं कि यही परफेक्ट गिफ्ट होगा मेरे बेटे के लिए। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 अनास एंड क्वार्टर, बट शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही कॉटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराजा। वुडन टाइगर जो वो टॉय पसंद करते हैं उसकी कीमत केवल 2 अनाज होती है, पुराने ज़माने की करेंसी होती थी आना, एक आना, 2 आना, तो 1 आना की जो वैल्यू होती थी 1/16 रुपीज़ के बराबर होती थी। तो वो जो शॉपकीपर है वो सोचता है कि अगर मैं इतने लो प्राइस में महाराजा को दूंगा तो ये तो मेरे लिए अच्छा ना रहेगा। ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द एमरजेंसी, और वो एमरजेंसी के रूल के अकॉर्डिंग पनिश किया जा सकता है। सो ही सेड योर मैजेस्टी दिस इज एन एक्सट्रीम रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। शॉपकीपर महाराजा से कहता है कि हे महाराजा, कि इस टॉय को एक क्राफ्टमैनशिप ने यानी कि बहुत ही विद्वान क्राफ्टमैन ने इसको बनाया है, हैंडमेड टाइगर है और ये बहुत ही अद्भुत गिफ्ट होगा। अ बार्गनिंग एट 300 रुपीज़, और इसके 300 रुपीज़ भी ज़्यादा ना होंगे। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। महाराजा शॉपकीपर से कहते हैं बहुत अच्छा, यह मेरे बेटे के बर्थडे के लिए परफेक्ट गिफ्ट होगा। सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम, राजा जो है वो शॉपकीपर से कहते हैं और अपने साथ उस टॉय को लेकर चले जाते हैं। वन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टीनी लिटिल वुडन टाइगर, और एक दिन फादर और सन दोनों बाप बेटा उस वुडन टाइगर के साथ खेल रहे थे। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, जो कि जो टॉय था वो एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था। इट्स सरफेस वॉज रफ, और वो बिल्कुल रफ सरफेस का था, मतलब खुरदरा खुरदरा था। टीनी सिल्वर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, क्विल्स की मीनिंग होती है फीदर, यानी कि उसमें से छोटे छोटे टुकड़े से बाहर निकल रहे थे टॉय टाइगर में से। वन ऑफ दो सिल्वर प्योर्स द महाराजाज राइट हैंड, और उसमें से लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा महाराजाज के राइट हैंड पे लग जाता है। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और वो अपने उल्टे हाथ से उसको लेफ्ट हैंड से उसको निकाल देते हैं लकड़ी के छोटे से टुकड़े को, और प्रिंस के साथ दोबारा से राजकुमार के साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर इन द महाराजाज राइट हैंड, अगले दिन महाराजा के राइट हैंड में पूरे हाथ में इन्फेक्शन फैल जाता है। इन 4 डेज इट डेवलप्ड इन टू द सपरेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म। ऑपरेटिंग स्टूडेंट आ वाउंड फुल ऑफ पस, यानी कि वो जो घाव था वो पूरी तरह पस से भर जाता है। 4 दिनों के अंदर अंदर वो बहुत डेवलप हो जाता है और पूरी तरह से घाव पस से भर जाता है और पूरे आर्म में फैल जाता है।
थ्री फेमस सर्जन वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास और मद्रास से तीन सर्जन बुलाए जाते हैं। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट और वे लोग ऑपरेट करते हैं, राजा का ऑपरेशन करते हैं। द ऑपरेशन टुक प्लेस और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। द थ्री सर्जन हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस, तीनों सर्जन ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हैं और अनाउंस करते हैं द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड, कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, महाराजा की डेथ हो गई। तो स्टूडेंट यहाँ आयरनी यूज की गई है कि ये कैसा ऑपरेशन था, सक्सेसफुल भी रहा और राजा की डेथ भी हो गई। एक्चुअली में ये बताया गया है कि जो एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की थी वो सक्सेसफुल हुई, अर्थात राजा की डेथ हो गई एक टॉय टाइगर की वजह से। इन दिस मैनर द 100th टाइगर टू किड्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। इस प्रकार से 100th टाइगर ने 99 टाइगर का बदला लिया टाइगर किंग से और टाइगर किंग की डेथ हो जाती है एक टाइगर की वजह से ही। इसी के साथ स्टूडेंट ये हमारी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी हेल्पफुल टू यू। इफ़ यस, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब के लिए बाय।